तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन अरविंद शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि आज हम कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में खड़े हैं और कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है और संविधान ने, हिंदुस्तान के संविधान ने एक बहुत बड़ी पावर दी है कि इलेक्शन के अंदर एक आम कैंडिडेट भी खड़ सकता है आज़ाद के तौर पर। अभी तक हमने आपकी मुलाकात कराई भारतीय जनता पार्टी की लीडर से, जजपा से, कांग्रेस पार्टी से। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो इन्हीं के बीच में, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और हमारे बीच में सरदार कमलजीत सिंह जी खड़े हैं जो सीआर हैं बैंक से, सीएस हैं। कमलजीत सिंह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश मुझे अपने चैनल पर समय देने के। कमलजीत सिंह जी, सबसे पहले आप कहिए कि आपने किसी भी पार्टी से कोई रिलेशन ना रखकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने क्यों खड़ने का विचार बनाया? देखो जी, चंद्रशेखर आज़ाद थे और आज़ाद ही रहे, और हम भी किसी पार्टी की गुलामी हमें मंजूर नहीं है। हम जब तक लड़ेंगे आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही लड़ेंगे। आपने अभी अभी बात की है गुलामी की, किस तरह की गुलामी की बात आपके मन में? उनकी जो चीज़ें जो वो गलत करते हैं उनको भी सही, जैसे आपने देखा होगा कि पार्टी लेवल पे कुछ काम गलत हो रहे हैं, लेकिन उनके जो आगे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी उनकी हाँ में हाँ भरनी पड़ती है। जो मेरा ईमान मुझे कभी भी ये करने की इजाज़त नहीं देता कि उनके गलत काम को भी मैं सही ठहराऊँ। अगर गलत है तो गलत है वो। जैसे आप अभी हमने देखा कि आप अपने चुनाव प्रचार में निकलते हो, अपने स्कूटर को ही आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि इस इलेक्शनों में इतना पैसा लगता है फिर भी आप एक आम इंसान की तरह स्कूटर के ऊपर चुनाव निशान करके जनता के बीच संपर्क करते हो। इसके अंदर जैसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकें कि महाभारत के अंदर सबके पास बड़े बड़े रथ हैं और आप अपने स्कूटर से ही अपना ये कर रहे हो, तो आपको जनता के बीच जाते हो, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इसके बारे में? जो रिस्पॉन्स मुझे जनता दे रही है ना, मैंने उनको पैसा नहीं दिया लेकिन उनके दिलों में वो जगह बना लिया है। भाई साहब, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ से लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, जहाँ से लोग मुझे मिलने नहीं आए। वो कहते हैं कंवरजीत सिंह जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। कंवरजीत सिंह जी, जैसे आपने अभी कहा कि सारी विधानसभा कवर की है, तो आपको विधानसभा कवर करते हुए कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा? दिखते हैं, ये जो लोकसभा कुरुक्षेत्र है बहुत बड़ी लोकसभा है और स्कूटी पे कई बार दिक्कतें रहती है जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है, बुखार भी है और कुछ गला भी, माफ़ी चाहूँगा, गला भी मेरा ख़राब है। लेकिन कुछ लोग हैं जो छिटपुट पार्टी से लिंक्ड है, वो हमें मतलब टोंचबाजी करते हैं, मगर हम जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमारी अपने इंटरनल हमारी स्पिरिट है, उसके आगे हमें नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे। जैसे भाइयों बहनों, जैसे कंवरजीत सिंह जी, जैसे महाभारत का इलेक्शन था, महाभारत के अंदर कौरव थे, पांडव थे, बीच में करण शख्सियत हुआ है कि जिसने अपने दम पर मुकाम बनाया, ठीक है, तो आपको भी यहाँ की जनता, जैसे हमने पता किया करण की उपाधि दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता जब आपको करण की तरह कहते हैं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे करण ने सच्चाई का साथ दिया था, करण आखिरी दम तक लड़े थे, हम भी इन भ्रष्ट पार्टियों से, जो भी गलत काम करेगा, जो भी जबर जुल्म करेगा, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, जितनी बड़ी पार्टी हो, सिख कौम ना तो किसी से झुकी है ना झुकेगी। उन्हीं मर्द दलेरों का हमारे खून है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, वो अंग्रेज़ों से लड़े हैं, उनको किसी भी लालच, किसी प्रकार का लालच भी नहीं आए, लेकिन उन्हीं डीएनए होने की वजह से आज मुझे मेरे अंदर इसे स्पिरिट आई कि कंवरजीत, जो लोग नहीं लड़ पा रहे, कम से कम उनके लिए तुझे आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है कि पार्टी की टिकट सिर्फ उसी को मिलती है जो बोली लगाता है, बोली में सबसे। आपने देखा हो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कई पाँच पाँच सालों से, उनको इन्होंने टिकट ना दे के कोई बाहर वालों को, यही उनका मेन मुद्दा है, जिसने ज़्यादा बोली दे दी उसको टिकट मिल। जैसे आपका चुनाव निशान सिलाई है, सिलाई मशीन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ये बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं एक दर्जी के पेशे से भी हूँ, मेरे पिताजी दर्जी का काम करते हैं,
तो हमें वो टेक्निक पता है कि एक कपड़ा वही होता है, कपड़ा जो टेलर मेक्स है, मैंने जेंटलमैन सॉरी फॉर दैट, और फैशन डिज़ाइनर भी कपड़ा वही होता है, लेकिन उनको टॉप लेवल के फैशन डिज़ाइनर भी उस डिज़ाइन करके दर्जी ही देता है। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में वही डिज़ाइनर की तरह काम करूँगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा को ऐसा डिज़ाइन दूंगा कि इसकी छवि वर्ल्ड में नंबर वन पे लाने के लिए मैं पूरा वर्ड 100% दूंगा मैं आपको। अगर आप ये जीतते हो इलेक्शन, आपके जीतने के बाद आपके कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से आप जो कार्य होंगे प्राथमिकता के आधार पर आप करना पसंद करोगे? मैं जो मैंने अपने पोस्टर्स में भी मैं लिखा है कि मेरे दो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, नंबर वन तो मैं 100% शिक्षा दर लेके आना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र लोकसभा में, क्योंकि मुझे लगता है कि 80-90% जो अज्ञानता अनअवेयरनेस ये एजुकेशन की वजह से ही होती है, कि अगर 100% एजुकेशन आ जाती है कुरुक्षेत्र लोकसभा में इसकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो ये रैलियां हैं ना जो करोड़ों रुपए वेस्ट होते हैं पब्लिक के, मैं इसको बिल्कुल कुरुक्षेत्र लोकसभा में जिस दिन हम जीत कर आएंगे उसी दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी दिन ही अनाउंसमेंट होगी कि भाई साहब पीछे के लिए माफ़ी, आगे 5 साल के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में तो किसी भी पार्टी को किसी भी दिग्गज नेता को यहाँ रैलियाँ अलाउड नहीं करेंगी, कहीं और करो जहाँ पे आपका दिल करे, लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपको मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूँगा। जैसे अभी आपने बात कही है कुरुक्षेत्र में एजुकेशन दर कम है, लेकिन आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगी कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर इतने कॉलेजेस हैं, इतना कुछ होते हुए यहाँ पर कम है शिक्षा? आप गांव में जाके तो देखो सरकारी स्कूलों के हालात, मैं ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो अगर कहो ना अखबार पढ़ लें या अपने वो पढ़ते भी ऐसे हैं रे आ मैं वो 10वीं क्लास क्लियर कर जाएंगे। अब बताइए ऐसे ऐसे हमारे पास ये नहीं, मैं कहता कि क्वालिफाइड टीचर नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बीए पढ़े हुए हैं, हमारे पास एमफिल है, पीएचडी है, लेकिन थोड़ा सा उनके मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकते या उनके पास किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, लेकिन उनको जो उनके राइट्स हैं हम उनको वो राइट्स देंगे, जो एजुकेशन लेवल में जो कमियां हैं वो लेके आएंगे, लेकिन जो गांवों में मैं समझता हूँ कि काफ़ी अभी भी अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे अभी भी जो लड़कियाँ हैं मेनली वो कोई 8th के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है, कोई 10th के बाद, कोई मैक्सिमम ही जो गांव में है कि 12th के बाद वो ड्रॉप आउट कर देते हैं या उनके कुछ फैमिली की इश्यूज़ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि हर कुरुक्षेत्र लोकसभा में मिनिमम जो यंग जनरेशन वो ग्रेजुएट होकर मिनिमम होनी चाहिए, और इसके अलावा जो 60 साल से ज़्यादा जो पेंशन लेने वाले भी कम से कम वो अखबार पढ़ने लायक तो हो जाए ताकि उनको अपने राइट्स दिए जाए। आपने एक प्रश्न मेरे जहन में भी है, आप कह रहे हो कि सभी पार्टियाँ एक जैसी होती हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते हो, अगर सरकार बनाने में कहीं किसी पार्टी को समर्थन करना पड़ा, उस कंडीशन में आप सरकार के बीच में जाओगे कि बाहर से समर्थन करोगे, ये बताइए, या इंडिपेंडेंट वहाँ भी? मैं ये बताना चाहूँगा ये सरकमस्टांसिस डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भरोसा नहीं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी होगा आप पब्लिक की सहमति के बिना मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा, जो भी होगा वो पब्लिक पहले कंसेंट ली जाएगी कि हाँ ये पार्टी है, और उसमें मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखूँगा, पब्लिक का इंटरेस्ट कुरुक्षेत्र लोकसभा का इंटरेस्ट फ्रंट में रहेगा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी आड़े नहीं आने दूँगा मैं। तो भाइयों बहनों आपने ये देखा कि इस चुनावी समर के अंदर जब चारों तरफ महाभारत की बिसात यहाँ पर बिछ चुकी है, और यहाँ पर एक करण की तरह एक उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार है सरदार कंवरजीत सिंह जी ने, आपने उनके विचार सुने होंगे। कंवरजीत सिंह जी एक विचार, मुझे एक बात और बताना आप कि आपको लोग वोट क्यों दे सभी पार्टियाँ छोड़कर? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे ही वोट क्यों दे? भाई साहब आप मुझे नहीं वोट देना तो किसी क्रिमिनल को दे दो, जिन्होंने जो टिकट लेके आए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपये लगाए हैं टिकट पे, उनको दे दो, वो आपको 5 साल शक्ल में नहीं दिखाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ हर संडे मैं आपके बीच गुजारूंगा, हर छुट्टी का दिन आपके बीच में गुजारूंगा, इनको कह दो ये अब करोड़ों की टिकट तो ले लेंगे, करोड़ों की टिकट लेने के बाद ये 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। इनका मोटिव क्या रहेगा?
कि जो हमने 20-30 करोड़ खर्च किया है उसको 500 करोड़ कैसे कन्वर्ट किया जाए। हमारा मोटिव है, जब हम पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हमारा मोटिव क्या है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग हमें वोट करेंगे, वोट जरूर करेंगे और भारी मतों से हम विजयी होंगे। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में सरदार कंवरजीत सिंह हैं जो लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। देखिए, आपने सुने होंगे इनके विचार किस तरह से हैं। कंवरजीत सिंह जी, आपका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपकी सारी टीम को जिन्होंने मुझे वक्त दिया, सबका मुझे सुनने के लिए भी। और डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अपने कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ अर्थ प्रकाश टीवी क्षेत्र। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।